हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग के साथ में। गाइस, क्या है, आज के इस वीडियो में हम चल रहे हैं बंदगी नगर, और बंदगी नगर में चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। थंबनेल देख के पता ही लग गया होगा कि कहाँ चल रहे हैं, तो चलते हैं अभी दिखाते हैं आप लोगों को। और गाइस, क्या है, अभी आ गए हैं मंदिर, निकल आए हैं मेरे गाँव का मंदिर, हनुमान मंदिर इधर इस साइड में, और ये है दुकान इधर पीछे साइड में, देख सकते हैं। ये आ गया है छोटा सा चौराहा मेरे गाँव का, ये सामने रोड चली गई इस तरफ, ये चली गई है बंदगी नगर को, तो यही चल रहे हैं सीधे, ये सामने वाले चल रहे हैं। और गाइस देख सकते हैं बंदगी नगर तालाब है, तो यहाँ पर जो है नरेगा का काम चल रहा है, देख सकते हैं इधर ये सामने। और गाइस क्या है, आज जो है तो बंदगी नगर में जो है तो मेरे का कोटा लगता है बंदगी नगर, तो वहाँ पर जो है तो गल्ला बट रहा है, तो वहीं पर चल रहे हैं राशन, सरकारी राशन की दुकान पर चल रहे हैं। चलते हैं आपको दिखाते हैं कैसे किस तरह से हमारे यहाँ जो है तो गल्ला बढ़ता है। और अभी काफ़ी दूर पैदल आ गए हैं, क्योंकि अभी गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होती है, तो पैदल ही आए। और गाइस ये जो रोड आप लोग देख रहे हैं सामने, तो ये चले गए सीधे बंदगी नगर गाँव, दिखाई दे रहा होगा बंदगी नगर यही सामने। और ये है मेरा आलू का खेत, देख सकते हैं बंदगी नगर में खेत पड़ता है मेरा आलू का खेत, देख रहे हैं भैया सामने, ये है बंदगी नगर, सीधे ही चल रहे हैं अभी। काफ़ी दिनों के बाद जो है तो बंदगी नगर को आए हुए हैं, बहुत दिन हो गया तब से राशन की दुकान पर नहीं आए, आज चलते हैं देखते हैं कैसे है क्या है। पूरा ये सब आरसीसी लग गई है, ये सब पूरी, ये देख सकते हैं, ये सामने, ये सब गल्ला लेकर जा रहे हैं, देखो ये इधर ही गाड़ी खड़ी है। आ गए हैं भाई राशन की दुकान पे, तो देख सकते हैं ये गांव है बंदगी नगर, इधर ये सब लोग खड़े हैं गल्ला लेने के लिए, इधर पीछे देख रहे हैं ये क्या बताओ। हाँ, बंद हो गया। अच्छा, और ये जो सामने देख रहे हैं तो यही है राशन की दुकान, इधर देख सकते हैं ये। और गाइस क्या है, बता रहे हैं कुछ लोग बता रहे हैं बैटरी जो उनकी मशीन बंद हो गई है, तो गल्ला जो बांटना बंद कर दिए हैं अभी, इधर ये देख सकते हैं। और अभी समय हो रहा है 1:30 बज रहा है दोपहर का, अब बंद कर दिया। ये भैया देखो बोल रहे हैं, इधर देख रहे हैं गेहूँ रखा हुआ, तोल रहे हैं, ये बोल लगा हुआ है सरकारी उचित की दुकान, इधर ये, और इधर साइड में चावल रखे हुए हैं, तो चावल दिए जा रहे हैं। और दोस्तों क्या है, गल्ला जो हम पीछे से बट रहा था और अभी तो है बंद कर दिए हैं, इधर देखते हैं ये पूरा चावल गेहूँ लोग भर रहे हैं लोग। गाइस क्या है, जो राशन की दुकान थी वहाँ पर आ गए थे, तो मशीन जो बोल रहे थे कि बैठ गई है, चार्जर बोले खराब हो गया, तो गल्ला बांटना भी बंद कर दिए हैं। और गाइस क्या है, गांव जो है बंदगी नगर तो काफी बड़ा गांव है, जो कि आप लोग इधर देख सकते हैं, ये इधर और इधर, ये काफी बड़ा गाँव है, और इधर है बंदगी नगर का तालाब, गल्ला ले जा रहे हैं, आज गल्ला बट रहा था इधर का सीन। चलो सीधे चलते हैं आप लोगों को कुछ दिखाते हैं। और गाइस अभी चल रहे हैं, आए थे तो गल्ला लेने, और चलते हैं आपको लोगों को कुछ दिखाते हैं, बंदगी नगर तक घूम रहे हैं गांव। मेरे यहां से समथिंग ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर है बंदगी नगर, पैदल ही चले हैं, तो बहुत भाई थक गए हैं इधर यहां तक आने में। कैसा लग रहा है आपको ये गाँव, कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। इधर चल रहे हैं सीधे, फिर उसके बाद में चलते हैं, हम लोगों को दिखाते हैं, एक और चीज़ दिखाते हैं इधर गांव में। इस साइड चल रहे हैं, इधर लकड़ियाँ रखी हुई हैं सूखी कुछ, यही सीधा चल रहे हैं। और गाइस ये देख सकते हैं, तो बंदगी नगर का सीन है, ऐसे कुछ घर देखने को मिल रहे हैं बंदगी नगर में, देख सकते हैं इधर। एक चीज़ और आप लोगों को दिखाते हैं, जो हम देख रहे हैं सामने, इधर चलते हैं दिखाते हैं देसी जुगाड़ से, जो तो बोरिंग कैसे करते हैं हाथों से, बम्बा लगवाने के लिए, घर के लिए पानी पीने के लिए, चलते हैं थोड़ा आप लोगों को पास से दिखाते हैं। ये सामने देख रहे हैं आप लोग, इधर ये
और दोस्तों इधर आप लोग देख रहे हैं देसी जुगाड़ के माध्यम से देख रहे हैं हाथ से कैसे बोरिंग की जाती है हमारे यहाँ गांव में। यह है गांव का देसी जुगाड़, बम्बा के लिए बोरिंग की जगह रहे हैं इधर। ये और ये बोरिंग मिस्त्री हैं, इनका नाम उत्तम है। मिस्त्री कत्ता चल गया, 25 पर चल गया। इधर आप लोग सामने देख रहे हैं तो लकड़ी के देख सकते हैं मोटे मोटे गट्ठे लगाए हुए हैं इधर। ये एक इधर लगा हुआ है, इधर है, और एक बीच में एक ऊपर लगा हुआ है ये। और ये उत्तम मिस्त्री देखो कस रहे हैं भी पाइप को। और गाइस क्या है मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।